अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले हफ्ते मुझे तरीन एजुकेशन फाउंडेशन ने पाकिस्तान के एक मज़ाफाती इलाके में बुलाया। इस इलाके का नाम, इस शहर का नाम लोधरा है, जहां पर मुझे गवर्नमेंट के स्कूलों में जाकर लेक्चर्स देने थे। मैंने दो दिनों में 8 1-1 घंटे के लेक्चर्स दिए, जिनके बाद मुझे स्ट्रेप्सल खानी पड़ी। यहां पर मैं आपको उन लेक्चर्स की कुछ हाइलाइट्स दिखा रहा हूं जो कि मैंने वहां पर दिए, और उन लेक्चर्स को ही रीमेक किया जा रहा है। तो मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में दिए गए लेक्चर्स की हैं, और इन लेक्चर्स में जो सबसे अहम लेक्चर था, जो टॉक थी, वो ये थी कि साइंस और मैथ, रियाजी को कैसे पढ़ाया जाए और उसे कैसे पढ़ा जाए। इस लेक्चर को देने के लिए जो मैंने स्टाइल का इंतखाब किया है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने वहां पर लेक्चर दिया था। तो मैं यहां पर इस वीडियो की एडिटिंग नहीं करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ये एक लाइव लेक्चर हो, इसमें गलतियां होंगी, इसमें चीजें दोबारा बोली जाएंगी, इसमें तलफ्फुज भी गलत होंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने जा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने इस लेक्चर से क्या चीज़ सीखनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस लेक्चर के पीछे 1 महीने की मेहनत है, बहुत से रिसर्च पेपर्स और बहुत सी स्टडीज़ को देखा गया है, हर स्लाइड के पीछे कोई ना कोई रिसर्च हुई है। तो इसलिए आपने हर स्लाइड से जो भी चीज़ हासिल करनी है वो गौर से देखनी है, उसे चार्ट पे बनाना है, उसे कॉपी पे लिखना है, क्योंकि इस किस्म का लेक्चर आपको साइंस और मैथ के पढ़ने की टेक्निक्स कहीं नहीं मिलने जा रही। तो मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी कहानी से, जिस तरीके से हूँ मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। कहानी है मेरे दोस्त की। मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने एक सुपर रोबोट लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने करोड़ों रुपये उस पर लगाए हैं। मैं फौरन भागा भागा उसके घर गया, घंटी बजाई, वो बाहर निकला। मैंने कहा, यार रोबोट तो दिखाओ, इतना जबरदस्त रोबोट लिया है तुमने, इतने पैसे खर्च किए हैं, वो कर क्या रहा है? वो मुझे घर के अंदर ले गया, रोबोट मुझे नजर नहीं आया। तो उसने मुझे बताया कि रोबोट तो मेरे जूते पॉलिश कर रहा है। मैं उसकी तरफ देखते देखते रह गया। रोबोट और जूते पॉलिश, इतनी सुपर इंटेलिजेंट चीज से तुम जूते पॉलिश करवा रहे हो? लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि जब इंसान जूते पॉलिश कर सकते हैं, जो कि आज के रोबोट से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा तेज़ हैं, तो रोबोट जूते क्यों नहीं पॉलिश कर सकता? उसकी बात में तो वज़न था, क्योंकि आज के इंसान का दिमाग और उसकी ताकत हमें बिल्कुल नहीं बताई जाती। हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता कि हमारे सर के अंदर जो दिमाग है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, और आज के सुपर कंप्यूटर के साथ वो किस तरीके से मुकाबला करता है। इसलिए मैं आज आपको अपने इस पहले सेक्शन में बताने जा रहा हूं कि इस बच्चे का दिमाग जो के काम कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, वो कितना ताकतवर है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर से। दुनिया में सुपर कंप्यूटर की एक रेस लगी हुई है, कभी चाइना बना रहा है, कभी अमेरिका बना रहा है, कभी जापान बना रहा है, मुख्तलिफ मुल्क इस रेस में लगे हुए कि वो सुपर कंप्यूटर बनाए। सुपर कंप्यूटर पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए बड़े बड़े हॉल्स दरकार हैं, इतनी ज़्यादा इनकी मशीनरी होती है, इनको कैबिनेट चाहिए होती हैं जिनमें इनके प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर को जो बिजली चाहिए वो लोधरा शहर यानी एक छोटे शहर के बराबर चाहिए। इतनी बिजली चाहिए इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और जब ये कंप्यूटर ऑपरेट होता है तो ये गर्म हो जाता है, जिस तरीके से हमारे घरों के कंप्यूटर गर्म हो जाते हैं। तो इनको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और उस पानी को जो कि इन कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी मिकदार 10,000 लोगों के इस्तेमाल करने वाले पानी के बराबर होती है। तो अगर 10,000 लोग जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, उतना पानी एक सुपर कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो तो करोड़ों में होती है, अरबों में होती है।
यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल है। हम ये जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तरक्की इन 20 सालों में हुई। और अगर आप कंप्यूटर की इंडस्ट्री को देखें तो यहां पर आपको 2008 के बाद एक बूम आता हुआ नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि हमने कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा तरक्की की, हमने सुपर कंप्यूटर्स बनाए और उन सुपर कंप्यूटर्स को बनाकर हमने उन पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन की। तो किसी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का मेयार क्या है, मेट्रिक क्या है? मैं आपको यहां पर एक मेट्रिक दे रहा हूं जिसे फ्लॉप्स कहा जाता है। ये वो फ्लॉप नहीं है जो मूवी को हम कहते हैं कि फ्लॉप होगी, बल्कि इसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कहा जाता है। यानी कोई भी कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो आज का सुपर कंप्यूटर जो मैंने आपको दिखाया वो 54 × 10^15 यानी एक के बाद अगर आप 15 सिफर लगा दें 10^15 तक आज का कंप्यूटर फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन एक स्टडी हुई और उस स्टडी में यह देखा गया कि इंसानी दिमाग कितना कर सकता है। तो एक रफ अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग इस कंप्यूटर से 1000 गुना यानी 10^18 टाइम्स फ्लॉप्स कर सकता है। और ये बात आज की है। मुझे पता है कि बहुत जल्द कंप्यूटर हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होने वाले हैं, जिन पर मैं अलग वीडियोस बना रहा हूं। लेकिन जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं 2019 में, तो उस वक्त हमारा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारे दिमाग की ताकत कितनी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ प्रोसेसिंग की बात नहीं है, प्रोसेसिंग स्पीड की बात नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से मेयार हैं अपने दिमाग को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करने के। मसलन एक मेयार इंटेलिजेंस है। क्या आप जानते हैं कि आज के बड़े बड़े कंप्यूटर इस मक्खी के बराबर इंटेलिजेंस नहीं रखते? गूगल की ऑटो ड्राइव कार हो गई या टेस्ला की ऑटोनोमस कार होगी, वो भी इस मक्खी के बराबर इंटेलिजेंस नहीं रखते। जो फ्रूट फ्लाई है, इसकी इंटेलिजेंस इस वक्त जितने भी हम सुपर कंप्यूटर बना चुके हैं 2019 में, उससे ज्यादा है। तो इंटेलिजेंस में अभी रोबोट्स हमसे और सुपर कंप्यूटर्स बहुत पीछे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बहुत आगे चले जाएंगे। इसी तरीके से तीसरी चीज है कॉन्शियसनेस। तो रोबोट्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती, बल्कि जो हम उनको ट्रेन करते हैं, जिस तरीके का डेटा देते हैं, उस तरीके के डेटे से वो अपने आप के डिसीजंस करते हैं। तो वहां पर आपको शऊर भी नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें इंसान अभी उनसे आगे हैं। अगर हम अपने ब्रेन का, दिमाग का मुआजना करें, तो हमें एहसास होगा कि हमारा दिमाग छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक सेल दिखा रहा हूँ जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा होता है और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनके बीच में पास हो रहा होता है, जैसे कि आप बिजली की तारों में देखते हैं। तो वहां पर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के बीच में जो मवासलात हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा होता है। और इसी तरीके से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। तो लर्निंग जब होती है, उस वक्त दो न्यूरॉन्स, दो दिमाग के सेल आपस में कनेक्शन बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो हमारे पास जब भी लर्निंग होगी तो आपके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कनेक्ट होना शुरू हो गया। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसकी लर्निंग नहीं होती, तो उसके न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा रोता है, हंसता है, अपनी जुबान बोलना शुरू करता है, उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है और उसके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो कि मैंने आपको फिगर में यहाँ पर दिखाए हैं, और वो तमाम न्यूरॉन्स चमक रहे होते हैं यानी फायर कर रहे होते हैं डेटा एक जगह से दूसरी जगह, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब हमारे दिमाग में इस तरीके से प्रोसेसर्स होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि एक न्यूरॉन भी एक छोटा सा प्रोसेसर है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर है, और वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। एक न्यूरॉन 1 से लेकर 10,000 कनेक्शन बना सकते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग में 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं, जो कि फिगर्स में भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। तो आप देख लें कि हमारे पास कितने छोटे छोटे प्रोसेसर्स हैं जो कि दिमाग में काम कर रहे होते हैं, और हमारी सुपर पावर लर्निंग है। जिस तरीके से सुपरमैन की सुपर पावर उड़ना है, स्पाइडरमैन की सुपर पावर वेब है, वेब बनाना है, इसी तरीके से इंसान की सुपर पावर क्या है जी? इंसान की सुपर पावर है लर्निंग। और लर्निंग मैंने आपको यहां पर राइट साइड पे न्यूरॉन्स दिखाए, जब वो कनेक्शन बनाते हैं तो लर्निंग होती है। इसलिए आपने अपनी सुपर पावर को पहचानना है। अगर आप अपनी सुपर पावर को नहीं पहचान सकेंगे तो फिर आप एक ऐसे सुपरमैन होंगे जो ये समझता होगा कि मैं उड़ ही नहीं सकता, या आप एक ऐसे स्पाइडरमैन होंगे जो समझता होगा कि मेरे पास वेब बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप तो अपनी हाफ लाइफ भी प्रॉपर तरीके से नहीं जी सकेंगे। इंसान का दिमाग इतना ताकतवर है कि आज की तमाम टेक्नोलॉजी अब इंसान के दिमाग को कॉपी कर रही है। बहुत जल्द आपके कंप्यूटर्स में ऐसी चिप्स आने वाली हैं जिन पर मैं एक वीडियो भी बना रहा हूं, जिसे न्यूरोमॉर्फिक चिप्स कहा जाता है। ये ऐसी चिप्स हैं जो कि दिमाग की प्रोसेसिंग को सामने रखते हुए, दिमाग के स्टाइल को सामने रखते हुए बनाई जा रही हैं, ताकि हम उस तरीके से काम कर सके जिस तरीके से दिमाग काम करता है। इस पर गूगल भी काम कर रहा है, इस पर IBM भी काम कर रहा है, और ट्रू नॉर्थ एक ब्रांड है जो कि बहुत जल्द आपको मार्केट में नजर आने वाला है। तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि उसने हमारी टेक्नोलॉजी की समत को भी अपनी तरफ मोड़ दिया है। पूरा दिमाग तो इतना पावरफुल है, लेकिन आधा दिमाग कितना पावरफुल है? मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं इन खातून की, जिनका नाम है क्रिस्टियन सेंटहाउस, जिनको एक बीमारी की वजह से आधा दिमाग से हाथ धोने पड़े। इनके दिमाग का आधा हिस्सा निकाल दिया गया। अब हम ये जानते हैं कि हमारे दाईं तरफ के दिमाग, क्योंकि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, तो हमारी दाईं तरफ का दिमाग हमारी बाईं तरफ की बॉडी को संभालता है, कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट साइड का जो दिमाग होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब जब इनका एक हिस्सा निकाल दिया गया तो डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि ये फॉलिज का शिकार रहेंगी, ये चल फिर नहीं सकेंगी। और उसके साथ साथ उस दिमाग के हिस्से में एक और फंक्शन भी था, और वो फंक्शन था बोलने का, लिंग्विस्टिक्स का। और उनका ये ख्याल था, डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जब ये दिमाग इनसे निकाला जाएगा तो ये पूरी उम्र बोल नहीं सकेंगी। लेकिन उनके लिए बहुत हैरानी हुई जबकि सेंट हाउस ने ना सिर्फ बोलना शुरू किया, क्योंकि उनका जो दिमाग बाकी रह गया था, आधा दिमाग था, उसने ये अज्यूम कर लिया कि मैं पूरा दिमाग हूं, और उन्होंने उस दिमाग ने वो फंक्शन भी ले लिए जो कि पूरे दिमाग के होते हैं, जो वो नहीं कर रहा था पहले। वो बोलना शुरू हो गई, उनकी बॉडी मूवमेंट करना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं उनका सिर्फ एक हाथ है जो हल्का सा मुड़ा हुआ है, अदरवाइज वो अपनी स्पोर्ट्स की टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया अमेरिका से, और उसके साथ साथ उन्होंने मास्टर्स किया, यानी 18 जमातें पढ़ी वहां से आधे दिमाग के साथ। तो अगर आधे दिमाग की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो पूरे दिमाग की कैपेबिलिटी कितनी होगी? इसी तरीके से एक और इफेक्ट है जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें ये डॉक्टरों ने बताया कि जब जंगे World War II हुई तो उसमें कुछ जगह पर दवाइयां खत्म हो गई, मरीज आ रहे थे लेकिन दवाइयां नहीं थी, तो मरीजों को प्लेसिबो दिया गया। इसका मतलब यह कि चीनी की गोलियां और नमक की गोलियां, ऐसी गोलियां जिसमें दवाई नहीं थी, और देखा गया कि मरीज अपने आप को ठीक महसूस कर रहे थे, उनको दर्द नहीं हो रही थी। डॉक्टर इस पर चीज पर बहुत ज्यादा हैरान हुए, और उस पर बाद में बहुत रिसर्च की, और पता चला कि अगर मैं आपको 100 बंदों को जिनके सर में दर्द है जाली गोली दे दूं, चीनी की गोली दे दूं, ये कहकर के ये बहुत जबरदस्त गोली है, ऐसा जबरदस्त पेन किलर है कि आपका सरदर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा, तो प्लेसिबो इफेक्ट पर जितने भी रिसर्च हुए उसने बताया कि 62 लोग 100 में से कहेंगे कि हम ठीक हो गए, हालांकि उनको पेन किलर नहीं दिया गया। लेकिन कैसे ठीक हो जाएंगे? ठीक इसलिए हो जाएंगे कि उनके दिमाग को हमने धोखा दे दिया कि हमने आपको गोली दे दी है, लेकिन उनके दिमाग में इतनी पावर थी कि जब दिमाग ने ये सोच लिया कि मुझे गोली मिल गई है, मुझे पेन किलर मिल गया है, तो दिमाग ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को ठीक करना, सरदर्द को ठीक करना शुरू कर दिया। और सिर्फ ये गोलियों तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें लोगों की फेक सर्जरी की गई, कट लगाया गया घुटने पर,
लेकिन काम नहीं किया गया, बीच में जो प्रॉब्लम था वो नहीं निकाला गया, और 60% लोग समझते रहे कि हमारी असली सर्जरी हुई है, जिनकी फेक सर्जरी हुई थी, और उन्होंने बाद में बीबीसी को और दूसरे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, और रोते हुए उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से हम ठीक हो गए, हालांकि वो ये समझ नहीं पाए कि उनके दिमाग को धोखा दिया गया था और उनके दिमाग ने आहिस्ता आहिस्ता उनको हील किया। तो यहाँ पर दिमाग का सेक्शन ख़त्म हुआ, मैंने आपको आपके दिमाग की पावर बता दी, मैंने वहाँ पर भी बच्चों को दिमाग की पावर बताई, और मैंने उनको बताया कि जब तक आपको यकीन नहीं होगा अपने दिमाग पर, जब तक स्टूडेंट्स के दिमाग पर टीचर्स को यकीन नहीं होगा, जब तक हम लोगों को ये नहीं समझेंगे कि ये नहीं कर सकते, पहला स्टेप आपकी पढ़ाई में ये है कि आपने अपने स्टूडेंट्स पर, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने ऊपर यकीन करना है कि मैं साइंस भी कर सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स भी कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, मैं जहाज उड़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो बिलीव है, जो यकीन है, वो पहला स्टेप है इस सीढ़ी का। लेकिन फिर हम पढ़ते नहीं हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती। अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो हमें चीज़ें क्यों नहीं समझ आती? उसके लिए मैं एक कोर्स का सहारा लूँगा जिस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, और ये कोर्स है डॉक्टर बारबरा ओकले का, जो कि इंजीनियर हैं और पीएचडी डॉक्टर भी हैं, और इन्होंने यूएसए में ये कोर्स बनाया, तो यूएसए की तमाम स्टेट्स के टीचर्स को मस्ट है कि वो ये कोर्स करेंगे। तो इन्होंने 6 हैबिट्स बताई जो कि जनरली हमें पढ़ने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इन हैबिट्स को आप समझेंगे कि इनका पढ़ाई से शायद कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनके साथ जो दूसरे डॉक्टर थे वो न्यूरोसर्जन थे और दुनिया के मशहूर तरीन न्यूरोसर्जन थे, और उन्होंने बताया कि जब वो MRI करके इन हैबिट्स को डिस्कस करते थे तो उनको पता लगता था कि इन हैबिट्स से पढ़ाई पर और बच्चों के नंबरों पर बहुत इफेक्ट आता था। तो पहली चीज़ ये है कि आपने रिलैक्स करना है, इसे डिफ्यूज मोड कहते हैं। हम अमूमन जब पढ़ते हैं तो हम फोकस मोड में होते हैं, लेकिन जब आप किसी काम को करते करते थक जाएं, कोई सवाल ना हो रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो आपने फौरन डिफ्यूज मोड में जाना है, यानी आपने रिलैक्स करना है। और जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपका दिमाग उस सवाल को भूलेगा नहीं जो आपने छोड़ा है, बल्कि बैक ऑफ माइंड उस सवाल पर बहुत काम कर रहा है आपका दिमाग। जब आप फोकस होते हैं तो आपके दिमाग का बहुत हिस्सा, छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा था। मसलन आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करें तो सिर्फ थोड़ा सा वो हिस्सा ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा था जो कि मैथमेटिक्स करता है। लेकिन जब आप डिफ्यूज मोड में चलते हैं, आप डिफ्यूज मोड में चले जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं, आप खिड़की के पास बैठ जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप सो जाते हैं, आप शावर लेते हैं, उस वक्त आपका पूरा दिमाग उस प्रॉब्लम पर लग रहा होता है। उस पर ड्राइविंग के रूल्स भी लग रहे होते हैं, उस पर कुकिंग के भी लग रहे होते हैं, फिजिक्स के भी लग रहे होते हैं, उसमें लिटरेचर के भी लग रहे होते हैं, यानी नई नई चीज़ें उस पर लग रही होती हैं, और वहाँ से नया आइडिया आता है। आपको याद है ना कि एडिसन ने जब भी एक नाकाम एक्सपेरिमेंट किया बल्ब बनाने के लिए, तो अपनी कुर्सी पर बैठ के सो जाते थे थोड़ी देर। उनके हाथ में 3 बॉल बेरिंग होती थी, 3 गेंदें होती थी, और वो ज़मीन पर गिरती थी और एकदम उनको नया आइडिया आ जाता था। तो वो क्या करते थे, वो डिफ्यूज़ मोड में जाते थे। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको ख्वाबों में मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन वो डिफ्यूज़ मोड में थिंकिंग हो रही होती है और इससे उनको ये एहसास होता है। तो आपने जब भी कोई मुश्किल चीज़ देखनी है तो आपने अपने स्टूडेंट्स को फोकस और डिफ्यूज मोड में स्विच करवाना है, हमेशा उनको फोकस मोड में नहीं रखना। अगर आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को फोकस मोड में रखेंगे या अपने आप को रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, सोना है। सोने में 2 काम होते हैं, मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सोने में जो सबसे पहला काम होता है वो आपकी मेमोरीज बनती हैं। तो अगर आपने पूरा सारा दिन स्कूल में गुजारा, इन्फॉर्मेशन ली, कॉलेज में गुजारा, इन्फॉर्मेशन ली, और वो इकट्ठी हो गई आपके दिमाग में, और उसके बाद आपने उसको याददाश्त बनाना है, तो आपको सोना चाहिए। और अगर आप सोएंगे नहीं तो वो याददाश्त नहीं बनेगी। अब इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, याददाश्त थोड़ी सी पड़ी, थोड़ी सी याददाश्त बनी, क्योंकि आपने तो 5-6 घंटे सोया, अगला दिन आ गया, तो अब इन्फॉर्मेशन की जो ढेरी है, जो पाइल है, वो बड़ी होती जाएगी। और उनको प्रोसेस करके याददाश्त बनाने का जो टाइम है वो कम से कम आप देते हैं, तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे आपने सोना, उससे कम नहीं सोना। ये आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप सोते हैं तो आपके जो काम कर करके कुछ
जहरीले मादे दिमाग में पैदा हो जाते हैं, पॉइजनस ऐसे चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कि आपकी याददाश्तों को, आपके न्यूरो कनेक्शन को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। तो जब आप सोते हैं तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, और उनमें से वो जो पॉइजनस आपके लिक्विड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, बल्कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, उससे आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, दो काम, यानी पहला याददाश्त बनती है और दूसरा काम ये होता है कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसमें से वेस्ट जो है वो हम ड्रेन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चियों को मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि बच्चे लड़के तो फिर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, गेम्स कर लेते हैं, और एक्सरसाइज वो वाहिद चीज़ है जिस पर साइंसदान इस चीज़ में मुत्तफिक है कि हमारे नए न्यूरॉन्स बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो अगर आप अपना दिमाग बेहतर करना चाहते हैं, नए न्यूरॉन्स बनाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम आपको आधा घंटा घंटा दिन में ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, MIT, स्टैनफोर्ड, यूकला, इनके जितने भी कैलटेक, इनके जितने भी प्रोफेसर हैं ना, वो रात को शाम को आधा घंटा भागते ज़रूर हैं। मैंने बहुत रिसर्च की है, और उनके भागने की वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनके नए न्यूरॉन्स जो पैदा होंगे वो एक्सरसाइज से पैदा होंगे। तो आपके नए न्यूरॉन्स सिर्फ एक्सरसाइज से पैदा होते हैं, और भूलना बहुत अच्छी बात है। अगर आप भूलते नहीं हैं ना, तो आप कोई चीज़ याद नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ लर्न नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं, तो पहले दिन में हम उसको 60-40% भूल चुके होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले दिन आप 50% ऑलमोस्ट भूल चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन और 3-4 दिनों में आप बिल्कुल वो चीज़ भूल चुके होते हैं। और सिर्फ आप नहीं भूलते, पाकिस्तान के अलावा दुनिया का हर इंसान भूल जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो भूलना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपकी मेमोरी मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप भूलेंगे, आप पहली मर तो एक चीज़ याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके कनेक्शन, दो हाथों के कनेक्शन बनाएं, ज़रा दोनों हाथों को हल्का सा आपस में जोड़ें, इस वक्त मैं जोड़ रहा हूँ, तो आपके कनेक्शन बड़े वीक होते हैं। तो फौरन जैसे ही आप वो चीज़ पढ़ के इधर उधर होते हैं, तो वो कनेक्शन दोनों हाथ दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको फिर रिवाइज करते हैं, तो अब जो दोनों हाथ पास आते हैं, तो वो ज़रा मजबूत कनेक्शन बनाते हैं, मेमोरी आपकी ज़्यादा बेहतर बनती है। फिर कुछ अरसे बाद आप रिवाइज नहीं करते, भूल जाते, फिर तीसरी मरतबा जब रिवाइज करेंगे और ज़्यादा मजबूत कनेक्शन बनेंगे, चौथी मरतबा बहुत ज़बरदस्त। तो फॉरगेटिंग पर मैं पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि आपने कितने कितने अरसे के बाद बच्चों को चीज़ रिवाइज करनी है। तो टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए वो लेक्चर बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, तो आपने उसको रिवाइज करना है, और उसका एक फिक्स पैटर्न है कि आपने तीसरे दिन करवाना है, आपने 9वें दिन करवाना है। तो इस तरीके से वो पैटर्न चलता है। अगर आपने बच्चों को वैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपके बच्चों को चीज़ें भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ रिवाइज कराते हैं, वो फिर आपको 100% आप उसको रिटेन कर लेते हैं, फिर ऐसा ऐसा बोलते हैं, फिर आपने रिवाइज करना है। और रिवीजन के पैटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से काफ़ी टाइम में फासले पर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, देर के बाद आपको रिवाइज कराना पड़ता है। अब हम आते हैं पढ़ने के मुतालिक। अभी तक हमने पढ़ने के मुतालिक कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, तो यकीन जानिए आप सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ें, आपका दिमाग 25 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। तो अब आपने 25 मिनट तो पढ़ लिया, तो बाकी आपने 1.5 घंटा क्या किया? आपने स्क्रीन सेवर लगाया अपनी आंखों पर, आपकी आंखें खुली थी, दिमाग बंद था, अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन सेवर होते हैं। और इसलिए हमें एक टेक्निक दी जाती है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है, स्पेस लर्निंग कहा जाता है। तो जब आपने पढ़ना है, आपने 25 मिनट के लिए पढ़ना है, 10 मिनट आपने ब्रेक करनी, उस 10 मिनट में आप वो करें जो आपका दिल करता है। आप फेसबुक देखें, आप टीवी देखें, आप वॉक करें, आप कुकिंग करें, जो आपका दिल करता है वो करें 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर आपने 25 मिनट पढ़ दें, फिर आपने वही दोबारा डिफ्यूज मोड में जाना है, फिर आपने 25 मिनट फोकस मोड में आना है, फिर डिफ्यूज मोड में। तो इस तरीके से आपने स्विचिंग करनी है, 2-2.5 घंटे इस तरीके से पढ़ें, फिर आप एक चाहे लंबा ब्रेक ले लें, लेकिन आपने 2 घंटे कंसेक्यूटिव नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर
जब पढ़ने आएंगे फोकस मोड में 25 मिनट, तो फिर 25 मिनट आपने पढ़ना है, फिर साथ टीवी नहीं होना चाहिए, इधर उधर बच्चे बातें नहीं करने चाहिए उनको, किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, खिड़की के बाहर नहीं आपने देखना कि कौन सी गाड़ियां जा रही हैं कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, आपने वो 25 मिनट टोटल अपनी स्टडीज को देना और फिर आपने 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो इस पूरे प्रोसेस को स्पेस लर्निंग कहते हैं। और इसमें एक और तरीका जो आप अपना सकते हैं वो ये कि 3 घंटे फिजिक्स पढ़ने से बेहतर है, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से बेहतर है कि आप 1 घंटा फिजिक्स पढ़ें, 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ें, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ें। तो इसे कहा जाता है इंटरलीविंग, और रिसर्च ये बताती है कि इंटरलीविंग में बच्चों के रिटेंशन जो है यानी याददाश्त वो बहुत अच्छी होती, उनको चीज़ें बड़े अरसे तक याद रहती जब वो चीज़ों को आपस में थोड़ा सा मिक्स करके छोटे छोटे चंक्स में पढ़ते हैं, बजाय कि 3 घंटे फिजिक्स पढ़ के अगले दिन 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, उससे बेहतर है कि आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ें और उनको मुख्तलिफ चंक्स में इंटरलीव कर लें। एक बहुत बड़ी स्टडी की गई, इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, 40 मुल्कों में ये स्टडी की गई, और इसमें देखा गया कि जो बच्चे पहली पोजीशंस लेते हैं 40 मुल्कों में, क्या वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं? ज़हीन तो नहीं होते। क्या वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्डवर्कर्स होते हैं? जी नहीं, मेहनती भी नहीं होते। तो फिर क्या होता है, क्या ऐसी सिंगल चीज़ है जो उनमें होती है, कौन सी आदत है जो उनमें होती है कि वो पहले नंबर पे आ जाते हैं? 40 मुल्कों की इस स्टडी में बताया गया कि उनकी सिर्फ एक आदत जो नंबर वन आदत है, वैसे तो उनकी और भी आदतें होंगी लेकिन जो नंबर वन आदत है वो ये है कि वो टेस्ट बहुत देते हैं, और वो टेस्ट बिल्कुल वैसे देते हैं जिस तरीके से उनको फाइनली टेस्ट किया जाएगा। मसलन अगर आपने बोर्ड के पेपर का टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, और आपके हॉल में बिजली नहीं है, तो फिर आप स्कूल में जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें भी बिजली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं क्रूअल लग रहा हूँ, संगदिल लग रहा हूँ, पर यह रिसर्च कहती है अगर आपके फाइनल पेपर में एक चॉइस आएगी तो आपके नॉर्मल टेस्ट में भी एक चॉइस होनी चाहिए। अगर फाइनल पेपर में टीचर कुछ नहीं बताएंगे तो फिर आपके जो नॉर्मल टेस्ट होंगे उनमें भी आपके टीचर्स को बच्चों की बिल्कुल हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल वही तरीका आपने अपनाना है जो कि फाइनल टेस्ट में होगा। तो इस तरीके से जो आप टेस्ट लेंगे और बार बार टेस्ट लेंगे उससे आपके बच्चों के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। मैडम बारबरा ओकले की बातें यहाँ पर ख़त्म हुई, और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ मैं खुद। तो जो 7वां पॉइंट मेरा है टीचर्स के लिए वो ये है कि आप हमेशा जब भी बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ाएं तो उनको कहानी के जरिए पढ़ाएं, स्टोरी टेलिंग के जरिए। मैं स्टोरी टेलिंग पर एक अलग वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको न्यूरो साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग बताऊँगा कि स्टोरी टेलिंग हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है। लेकिन अभी आप मान लीजिए कि वो स्टोरीज जो कि इमोशंस रखती हैं वो बच्चों को बहुत अरसे तक याद रहती हैं, और स्टोरी टेलिंग की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इवन कुरान में भी कहानियां रवायात सुनाई गई, अहदीस शरीफ में भी सुनाई जाती हैं। अब पुराने स्क्रिप्चर्स ले लें वहां पर भी स्टोरी सुनाई जाती हैं। अरेबियन नाइट्स मुसलमानों की स्टोरीज का एक मजमूआ था, तो हम कहवा खानों में जाते थे लोग उस वक्त के, और उनको उस चीज की एडिक्शन होती थी कि वो कहानियां सुने। कहवा खानों में स्टोरी टेलर्स बैठे होते थे और वह ऐसे जबरदस्त किस्म का समा बांधते थे, ऐसी कहानी सुनाते थे कि लोग भागे जाते थे, और चाय तो सिर्फ वो इसलिए पीते थे कि उनको कहानियां सुननी होती थी। तो स्टोरी टेलिंग से आप अपने बच्चे को पतंग की तरह कंट्रोल कर सकते हैं दाएं और बाएं, लेकिन उसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि उस स्टोरी में इमोशंस होने चाहिए, उसमें बच्चे को हंसी भी आनी चाहिए, उसमें बच्चे को उदास भी होना चाहिए, उसमें बच्चे को गमगीन भी होना चाहिए। इमोशंस आएंगे तो उसको वो चीज़ याद रहेगी। मसलन आपसे मेरा एक सवाल है कि आप बताएं आप आज तक सबसे ज़्यादा खुश किस वक्त थे, अभी बताएं। मैंने आपको जैसे ही कहा आपने विद इन 5 सेकेंड आपके जहन में एक कहीं ना कहीं स्टोरी या तस्वीर आ गई, तो आपको वो चीज़ याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसके साथ इमोशन अटैच है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सबसे ज़्यादा दुखी कब थे, तो आपको फौरन कोई ना कोई वाकया याद आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ इमोशन अटैच्ड है। और अगर आप किसी जगह गए हैं और वहां पर आपको बोर किया जा रहा है तो आपको वो चीज याद नहीं रहेगी ज्यादा से। अगर आपने कोई मूवी देखी जो इंतहाई बोरिंग है तो आपको उसके सीन नहीं याद रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने अपने बच्चों को लेक्चर देना है तो उसको एक कहानी बनाकर लेक्चर दें,
फिजिक्स का, साइंस का, कोई भी, और उसमें इमोशंस डालें, उसमें एक हीरो डालें, और फिर आप उस हीरो के जरिए बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैथ और साइंस की तरफ तो ला ही सकते हैं, उसके अलावा उनको मैनर्स भी सिखा सकते हैं उस एक हीरो के जरिए। तो कहानियों का आगाज हमेशा मैं अपनी वीडियोस में एक सवाल से करता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, जिस तरीके से मैंने शुरुआत की इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की, कि किस तरीके से मैं तरीन फाउंडेशन गया, वहां पर मैंने लेक्चर्स दिए। तो आपने क्वेश्चंस के साथ कहानी का आगाज करना है, और अगर आप क्वेश्चन के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से एक और टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जनरल टिप, वो ये है कि आजकल हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की भरमार है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, मोबाइल फोन से आ रही है, टीवी से आ रही है, टीचर से आ रही है, बाहर जाते हैं दोस्तों से आ रही है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो उस वक्त बच्चे ये करने की कोशिश करते हैं कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन भी देख रहे हैं, वो अपना पढ़ भी रहे हैं, साथ टीवी भी चल रहा है, वो पैरेलल में कुछ और काम भी कर रहे हैं, अम्मी को भी बातों का जवाब दे रहे हैं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग यानी एक से ज़्यादा काम एक वक्त में करने के लिए नहीं प्रोग्राम है, हमारा दिमाग सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में काम करता है। तो अगर आप 10 काम कर रहे हैं तो एक्चुअली आपके दिमाग का जो फोकस है ना, फोकस स्पैन वो छोटा हो गया, वो क्या कर रहा है, वो एक ही सेकंड में 10 हिस्से करके 10 कामों को मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हैं तो बजाहिर आपको लगेगा कि आप बहुत स्लो हैं, लेकिन आपका दिमाग एक सेकंड पूरा का पूरा उस काम को देगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा दिमाग बहुत छोटे स्केल पर जाकर ये काम करता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि एक वक्त में एक काम करना है, ज्यादा काम नहीं करने। जो लोग समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं, और दिन के एंड में रिसर्च ने साबित किया कि वो बंदा जो हर वक्त में एक काम कर रहा था, वो ज्यादा काम कर लेता है एक दिन में, बनिस्बत उन लोगों के जो समझते हैं, जो इल्यूजन का शिकार होते हैं, जो इस धोखे का शिकार होते हैं कि उन्होंने ज्यादा काम कर लिया। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि ब्रेन्स यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि दिमाग के लिए कुछ खाने भी होते हैं जो कि दिमाग को पावरफुल करते हैं। मैंने यहां पर आपको वो खाने दिखा दिए हैं जिसमें मछली है, जिसमें ब्रोकली है, जिसमें ब्लूबेरीज हैं, और वो अंडे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें जो बहुत आम मिलती हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो चॉकलेट है, अंडे हैं, गहरे रंग की चॉकलेट दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो स्कूल अगर बच्चों को कैंडीज देते हैं तो वो कैंडीज के बजाय अगर गहरे कलर की मिल्की चॉकलेट, नहीं उसमें शुगर बहुत होती है, तो अगर गहरे कलर की चॉकलेट्स उनको मिल जाती हैं वो दें तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमारे स्कूलों में ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप बच्चों को अगर आपने खाने को कुछ देना भी है तो गहरे कलर की चॉकलेट दें। और दूसरी चीज़, हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, हल्दी दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है। तो दूध में हल्दी डालकर, खानों में हल्दी डालकर, हल्दी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ये आपके बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों को भी रोज़ कहता हूँ कि हल्दी वाला दूध पीना है, गोया कि वो मेरे अभी काबू नहीं आ रहे, लेकिन मैं इंशाल्लाह उनको हल्दी पर ले आऊँगा। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। अभी तक तो हमने दिमाग, उसकी प्रोसेसिंग और जनरल स्टडी के क्या तरीके हैं और न्यूरो साइंस क्या कहती है उस पर डिस्कशन की, लेकिन अब मैं स्पेसिफिक आना चाहूँगा साइंस की तरफ। और साइंस में भी हम स्टेम को डिस्कस करेंगे जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है। और इसको डिस्कस करने की वजह यह है कि मैं कुछ ऐसे डेटा पढ़ रहा था जिसमें पिछले 10 सालों का कंपैरिजन किया गया था कि जो जॉब्स स्टेम से रिलेटेड हैं वो तकरीबन 18% बढ़ी हैं 2008 से 2018 तक। और वो जॉब्स जो स्टेम से रिलेटेड नहीं है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स नहीं आता, वो कम हुई हैं। तो इसका मतलब ये है, और ये डेटा ये कह रहा है कि अगले 10 सालों में इससे बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं। तो अगर आपने फ्यूचर में जॉब लेने जाना है, आपने नौकरी करनी है, आपने इवन बिजनेस भी करना है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। STEM, स्टेम यानी साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से एक और स्टडी में ये बताया गया था कि जो लोग स्टेम से के रिलेटेड डिग्री लेते हैं उनकी जो पेज हैं वो दूसरों से बहुत ज़्यादा है, और आगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है। इसी तरीके से एक और स्टडी ये कहती है कि जो जॉब्स होंगी उसमें स्टेम से रिलेटेड कंप्यूटिंग की जॉब्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगी,
यानी कंप्यूटर साइंस की जॉब्स में एक बड़ा हिस्सा होगा बाकी स्टेम की जॉब्स में। और अगर आप इस बात को देख लें कि ब्लैक होल की जो डिस्कवरी है उसमें एक पूरा डिपार्टमेंट था जो सिर्फ उस डेटा को कंप्यूट कर रहा था जो कि हमें टेलीस्कोप से और मुख्तलिफ किस्म के आलात से मिल रहा था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एस्ट्रोनॉमी में भी कंप्यूटिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि स्टेम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में आपने जॉब करने जाना है तो आपको उस जगह पर उस एरिया को फोकस करना चाहिए जिसकी जॉब ज़्यादा है, बनिस्बत उस एरिया के जिसकी जॉब्स ही नहीं होंगी फ्यूचर में। तो स्टेम वो एरिया है जहाँ की जॉब्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन स्टेम में एक मसला है और वो मसला ये है कि हम साइंस सही तरीके से नहीं पढ़ते। दुनिया रियलिटी पर बेस्ड करती है, दुनिया अनसर्टेन है, दुनिया में आपको हर किस्म की अनसर्टेनिटी मिलेगी, कोई चीज़ फिक्स नहीं मिलेगी। दुनिया में डेटा है, दुनिया में इंफॉर्मेशन है, हम रियल टाइम दुनिया से चीज़ें लेते हैं, हमारा दिमाग उन चीज़ों को देखता है और फिर उनको सिंप्लीफाई करके अपने अंदर एक मॉडल बना लेता है। इस तरीके से हम दुनिया को परसीव करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप गए और आपने मीनारे पाकिस्तान देखा तो आप मीनारे पाकिस्तान को देखते हैं, आपकी आंखों से डेटा आपके दिमाग तक पहुंचता है और उसके बाद आप एक छोटा सा मॉडल अपने दिमाग में मीनारे पाकिस्तान का बना लेते हैं जिसका जो कि असली मीनारे पाकिस्तान का 10% डेटा भी नहीं रखता। आपके पास एक खाका होता है, वो सिंप्लीफाइड मॉडल होता है। हम चीज़ों को सिंपल करके अपने दिमाग में रखते हैं, याद रखनी है ये बात, मॉडल जो होता है वो हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तो अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि हम जब रेनबो को देखते हैं, धनक को देखते हैं, तो क्या धनक में सिर्फ 7 रंग होते हैं? धनक में तो हर रंग होता है, लेकिन जब हम उसको मॉडल करते हैं तो हम उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं और हम कहते हैं कि 7 रंग है। तो इस तरीके से दुनिया को हम जब मॉडल करते हैं अपने दिमाग के लिए, अपने समझने के लिए, तो हम उसको सिंपल कर लेते हैं और सिंपल करके अपने दिमाग में बिठा देते हैं। मसलन आपने एक मूवी देखी तो आप कभी गौर कीजिएगा कि आप जब बाहर निकलते हैं सिनेमा से तो आपको उस मूवी का 10% भी नहीं याद होगा, मे भी 10% याद, लेकिन आप उसके बारे में एक तासुर बना देते हैं कि अच्छी मूवी थी या अच्छी मूवी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप उसको भूल चुके होते हैं, 90% आप भूल चुके होते हैं, 10% के करीब आपको याद होती है और फिर आप तासुर बना सकते हैं, उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सोलर सिस्टम को देखें, आप ज़मीन के मॉडल को देखें, तो क्या ज़मीन ऐसी होती है? ज़मीन अगर एक्चुअल में देखें तो ऐसी नहीं है, लेकिन ये एक मॉडल है, हमने एक मॉडल बनाया। हमारे दिमाग को क्योंकि मॉडल चाहिए, क्यों चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सोलर सिस्टम का भी हमने एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया जो कि हकीकत से दूर है, लेकिन हमने उसे इसलिए बनाया कि मॉडल से हमें 3 फायदे होते हैं। जब भी हम किसी भी रियल टाइम चीज़ का मॉडल बनाते हैं उसके 3 फायदे होते हैं। पहले तो ये कि हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। दूसरा ये कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ज़मीन की मूवमेंट का मॉडल बनाता हूँ सूरज के गिर्द, तो मैं बता सकता हूँ कि आज से 365 दिनों के बाद भी ज़मीन इसी जगह पर होगी जिस जगह आज, 1 साल बाद, तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से रेडार से हम जहाज़ की फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि इन मॉडल्स के ज़रिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो मॉडल करने के ये फ़ायदे होते हैं कि हम उनसे ये 3 काम ले सकते हैं। तो अब जब मैंने मीनारे पाकिस्तान को देखा तो मैंने रियलिटी का एक मॉडल अपने पास बना दी, और जब रियलिटी का एक मॉडल मेरे पास आ गया तो अब मेरे लिए उसको काम करना, उसको समझना और उससे दूसरों को एक्सप्लेन करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और इस तरीके को इंडक्शन कहते हैं। इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, इंडक्शन थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है। और इस मॉडल मेकिंग में गलती भी हो सकती है, लेकिन जो मॉडल्स होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। वो एक थ्योरी हो सकते हैं, साइंस की एक थ्योरी हो सकती है, वो एक तस्वीर भी हो सकती है जो कि आपको दिखाई, वो एक फार्मूला हो सकता है, E=mc², F=ma फार्मूला हो सकता है। तो हमने रियल टाइम दुनिया में एक फिनोमिना देखा और उससे हमने एक फार्मूला बना लिया, हमने एक तस्वीर बना ली, हमने एक ग्राफ बना लिया, हमने एक खाका बना लिया, हमने एक इक्वेशन बना ली। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंडक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं, और इंडक्टिव थिंकिंग में गलती के चांसेस होते हैं जिनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन साइंस करने का बेहतरीन तरीका ये है, और इसी तरीके से साइंसदान साइंस करते थे। वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, न्यूटन ने सेब को देखा वो ज़मीन पर नीचे गिरता,
न्यूटन ने देख सोचा कि चांद जमीन पर क्यों नहीं नीचे गिरता। फिर न्यूटन ने एक कॉमेट को देखा जो कि सूरज के गिर चक्कर लगा रहा है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि इनके दरमियान कोई ना कोई मुमासलत है, एक जैसी चीजें। और फिर उन्होंने हमें मोशन के लॉज भी दिए और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी बताया। तो हमारे पास जब ये फॉर्मूला आया F=ma में, जो कि न्यूटन का लॉ है, तो न्यूटन ने दुनिया की रियलिटी को देखते हुए ये फार्मूला अखज़ किया, दुनिया में मुख्तलिफ इवेंट्स को देखे और इस लॉ को अखज़ किया। तो ये लॉ जो है वो दुनिया से कनेक्टेड है। इसी तरीके से आइंस्टाइन ने जितनी अपनी थ्योरी बनाई वो भी इन चीज़ों को देखते थे। वो बचपन में सवाल करते थे कि अगर मैं लाइट के सर पर बैठूं, यानी लाइट की किरण के ऊपर बैठूं, तो मुझे क्या नज़र आएगा। इसी तरीके से उन्होंने रियल वर्ल्ड चीज़ों को देखा, वो चीज़ों को सोचते थे, और उन्होंने हमें एक मॉडल दिया E=mc², उन्होंने इंडक्शन की। मैं आपको एक तीसरी बायो से एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि स्टेनले मिलर की है, जो कि दुनिया को समझना चाहते थे कि दुनिया में जिंदगी का आगाज, बैक्टीरिया का आगाज कैसे हुआ। तो उन्होंने दुनिया का एक मॉडल बनाया जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस पर में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इस मॉडल के जरिए उन्होंने समझने की कोशिश की कि शुरू में जो बैक्टीरिया आया था दुनिया में वो कैसे पैदा हुआ था। तो रियल टाइम एक मसला लिया और उसको सॉल्व करने के लिए मॉडल बनाया, इसे हम अच्छी साइंस कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दुनिया है, और दुनिया क्या हम मॉडल लेते हैं जिसे इंडक्शन कहा जाता है, और उसके जरिए प्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स होता है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाते हैं। वो मॉडल्स जो हैं वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो नॉलेज बेस्ड मॉडल्स भी हो सकते हैं, बिलीफ बेस्ड मॉडल्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होते हैं। मैंने आपको साइंटिफिक मॉडल्स दिखाए, लेकिन अब एक और तरीका भी है साइंस करने का, और वो डिडक्टिव थिंकिंग है, जो कि नीचे है। अब आपको एक साइंसदान ने मॉडल बना दिया F=ma, और आपको कहा जी एक चीज है, उसका मास इतना है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, तो बताएं कितनी फोर्स होगी। तो आप उस मॉडल में ठकाठक वैल्यूज डालेंगे और उस रियल टाइम रियल वर्ल्ड का जो एक सिनेरियो को दिया होगा उसको आप उसकी वैल्यूज निकाल देंगे। इसे डिडक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, नंबर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, लेकिन क्या इससे आपको साइंस के बारे में पता चलेगा? हमारे न्यूमेरिकल्स यही काम करवा रहे होते हैं। हमें एक मॉडल की बेसिक एक फार्मूला याद करवा दिया जाता है, यानी हमें मॉडल जुबानी याद करा दिया जाता है, और उसके बाद हमें ऐसे क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं जो डिडक्टिव थिंकिंग पर बेस करते हैं। हम उस मॉडल में वो तस्वीरें और वो कहानियां, वो नंबर्स, वो वेरिएबल्स डालते हैं और निकालते रहते हैं, ठकाठक टाइपराइटर की तरह हम निकालते रहते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग करते हैं। इस वजह से तो हमारे पास नई थ्योरीज नहीं आ रही, इस वजह से हम फार्मूलाज नहीं बना पा रहे, इस वजह से हम नई चीज़ें साइंस में आगे नहीं लेके पा रहे जा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें इंडक्टिव थिंकिंग के बारे में बताया नहीं जाता। हमें बताया नहीं जाता कि जब तक आप दुनिया कायनात का कोई इवेंट उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने के लिए, या उससे टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मॉडल नहीं बनाएंगे, आप साइंस में आगे नहीं जा सकेंगे। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे बच्चों ने कैसे मॉडल्स बनाए। ये क्रेन का मॉडल है, और क्रेन के मॉडल से वो चीज़ें उठा रहे हैं, और इस मॉडल को फर्दर वो मॉडिफाई करके फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, ये एक क्या है जी, सोफ़ा है। तो सोफे पर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाकर वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं और उन गाड़ियों को आगे चला रहे हैं। इस किस्म की साइंस हमारे स्कूलों में नहीं होती। हमारे स्कूलों में होती है फॉर्मूला पढ़ा दिया और फिर न्यूमेरिकल शाबाश। अगर आप देखें कि क्या आर्टिफिशियल लाइट के साथ पौधे बड़े हो सकते हैं, हॉलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो साल में डबल यील्ड ले देते हैं। एक तो है खेतों की यील्ड, एक है कि उनकी क्रॉप्स जो हैं, अगर हमारी एक क्रॉप 6 महीनों में होती है तो उनके यहाँ 3 महीनों में हो जाती है, और उसकी वजह यह कि वो रात को भी उनको लाइट देते हैं, आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। तो जब रात को भी उनको लाइट मिलती है तो उनका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और वो हमसे बहुत आगे हैं अपनी यील्ड में। तो वो बच्चे स्कूलों में इस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, नए बीज बना रहे होते हैं, नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं, स्टेम कर रहे होते हैं, प्रॉपर साइंस कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि वो कौन से घर हैं जो ग्लो कर सकते हैं, रात को किस तरीके से उनको ग्लो किया जा सकता है। वो ये देखते हैं कि ब्रिज कैसे बनाने चाहिए। मसलन अगर इस ब्रिज में मैं ट्राइंगल्स की बजाय कोई और शेप लाऊं तो ये ब्रिज कमज़ोर हो जाएगा। हमें तो ये चीज़ पता है लेकिन हमने करके कभी भी नहीं देखी। आपको पता है कि अगर इस ब्रिज में आप स्क्वायर्स यूज करें तो ये ब्रिज कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप सर्कल यूज करें, आप हेक्सागोनल, कोई और शेप करें ट्राइंगल्स के अलावा,
तो ये ब्रिज कमजोर हो जाएगा। सबसे पावरफुल और सबसे सिंपलीफाइड शेप जो होती है वो ट्रायंगल्स की होती है, इसे ट्रस कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम है। इसी तरीके से आप देखें बैटरीज बन रही है, बैटरीज बन रही है और केन के साथ बैटरी बन रही है, कोक के, पेप्सी के बच्चे बना रहे हैं, बच्चे मुख्तलिफ शहरों के मॉडल्स बना रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, रोबोटिक्स कर रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, उनको प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, बायो में भी यही काम किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अपनी अपनी इन्वेंशन बना रहे हैं, बच्चे करके देख रहे हैं। और ये बच्चे बचपन से ही साइंसदान है, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ें करके देखी हैं तो इनके पास वो नॉलेज भी है जो बुक्स में नहीं है, अपना नॉलेज है, अपने एक्सपेरिमेंट्स है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, इस एक्टिविटी को देखें कि एक बंदे का कत्ल कर दिया गया और मुख्तलिफ क्लूज हैं और पीछे पूरी क्लास खड़ी है और उन्होंने अब इन क्लूज के जरिए, इन निशानियों के जरिए कातिल को पकड़ना है, सुराग रसानी करनी है, डिटेक्टिव बनना है। कितनी मजे की एक्टिविटी, लेकिन ये आपको स्टेम में पढ़ाई जा रही है। और इस तरीके से वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, उनको आपस में किस तरीके से कनेक्ट करना है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, विंड मिल से पावर कैसे हासिल की जा सकती है, हवा की पावर क्या होती है, विंड मिल कैसे बनाई जा सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जिन्हें हम एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में कहा जाता है ये तो बच्चे खेल रहे हैं, यही असल साइंस है जो बाहर की दुनिया में पढ़ाई जाती है। और जब मैंने यहाँ पर कुछ स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको रिटेलिएट किया, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये साइंस नहीं, ये कहानियाँ हैं, ये खेल है, ये एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन हम कैसे उनको समझाएं, हमें ये अवेयरनेस देनी है कि एक्चुअली ये ही साइंस है। और इसमें सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल साइड दिखा रहा हूँ, इससे पहले इसमें डिज़ाइनिंग होती है, इसमें मैथमेटिक्स भी आता है, इसमें फिजिक्स के लॉज भी आते हैं, हर चीज़ आती है, फार्मूलाज भी आते हैं, इसकी पूरी डिज़ाइन होती है। और उसके बाद बच्चे फिर इन चीज़ों को बनाते हैं और अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखते हैं। अब आप देखेंगे LEDs का इस्तेमाल करके बच्चों ने किस तरीके से, हिब्रू शायद ये लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज है, इसका टेक्सचर या वैसी शेप्स हैं, उसका टेक्सचर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें तो बाहर के मुल्कों में बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों में ऐसे पढ़ाया जाता है और वो पूरे के पूरे रोबोट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए जब वो साइंस करते हैं तो उनकी साइंस का फ़ायदा भी होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन बच्चों ने बैसाखी का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने एक बैसाखी या एक आर्टिफिशियल लेग बनाई है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से बाहर किया जा सकता है। तो स्कूल ऐसे आइडियाज़ जनरेट करते हैं जो कि आगे टेक्नोलॉजी बन सकते हैं और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर एग्जीबिशंस कराए जाते हैं, एक्सपोज कराए जाते हैं, साइंस की तरफ लोगों को मतवज्जो किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को इन्वाइट किया जाता है ताकि वो आएँ और देखें। टॉर्क हम क्लास में पढ़ा देते हैं लेकिन ये बच्चे टॉर्क पढ़ने के लिए पहिए का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होती है, कैसे होती है। तो ये वो तरीका है जिससे हमें साइंस पढ़नी चाहिए। जब तक साइंस को दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे और उसके मॉडल्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम साइंस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे। ये बच्चा आपको बताएगा ब्रिज कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सा ब्रिज कितनी बुक्स उठा सकता है। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, लेकिन ये बच्चा आपको ब्रिज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकता है। तो पहली चीज़ ये कि साइंस इस तरीके से पढ़ानी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ नहीं है, ये ज़रूरत है, ये स्टेम एजुकेशन है। और आप अगर साइंस इस तरीके से नहीं भी पढ़ा सकते अपने स्कूलों में तो आपके जहन में ये चीज़ हो कि आपने एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी है, आपने अपने कोर्स के साथ साथ बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी है और उनके आइडियाज़ भी लेने हैं, वो खुद भी बड़ी चीज़ें बनाएंगे और आपको हैरान कर देंगे चीज़ें बना बना कर। ये चीज़ें आपने उनके अंदर डाल दी हैं, जिस उस्ताद ने ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डाल दी उन्होंने अपने बच्चों का बहुत बड़ा भला किया। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। डॉक्टर जो बॉयलर से, जो कि स्टैनफोर्ड की एक प्रोफेसर हैं और वाइट हाउस जहां अमेरिका का सदर रहता है, ये कुछ अर्से पहले उसकी कंसल्टेंट थी। इन्होंने मैथमेटिकल लिटरेसी पर बहुत ज़्यादा काम किया है, न्यूमेरिकल लिटरेसी पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उसके साथ साथ इन्होंने पूरा एक कोर्स बनाया है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर उस कोर्स की कुछ चीज़ें चीज़ें बातें बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर यह भी बता दूँ कि पूरे अमरीका में ये एक कंपनी चलाते हैं जिसको क्यूबॉइड का नाम दिया जाता है, मेरे ख्याल में अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ क्यूबॉइड, और उस कंपनी के ज़रिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हैं।
इनकी मुख्तलिफ किताबें भी आपको मार्केट में नजर आएंगी। मसलन एलिफेंट इन द क्लासरूम बहुत जबरदस्त बुक है जिसमें बताया गया कि अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता तो वो ऐसे ही है जैसे एक हाथी को क्लास में उठा दिया जाए, तो हाथी के तासुरात क्या होंगे अगर उसको क्लास में उठा दें। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप क्लास में बैठाएंगे तो उसके तासुरात भी बिल्कुल वैसे होगा, वो अपने आप को हाथी फील करेगा, वो समझेगा कि वो गलत जगह पर आ गया। तो पहली जो चीज़ इनकी है वो ये है कि ये एक चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है, आप अपने स्कूल में ये चार्ट बना सकते हैं और लगा सकते हैं, ये अपने स्कूल के क्लासरूम के ऊपर सामने दरवाजे पर ये चार्ट लगाती हैं। और इस चार्ट में जो सबसे अहम चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब तक हम मैथमेटिक्स को फन नहीं बनाएंगे उस वक्त तक मैथमेटिक्स नहीं आएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो वो बताती हैं वो ये बताती हैं कि मैथ एक स्किल है, मैथ एक स्किल है, साइकिल चलाना एक स्किल है। अगर आप एक बंदे को 6 महीने साइकिल चलाना सिखाएं आ नहीं जाएगा उसको, आ जाएगा। गाड़ी चलाना स्किल है, इसी तरीके से खाना पकाना एक स्किल है, सारी ख्वातीन खाना पकाती हैं, स्किल सीख लेती हैं, तो मैथ भी एक स्किल है और इसको हर कोई सीख सकता है। हमने अपने माशे में ये बता दिया कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स आ सकता है कुछ को नहीं आ सकता, इसका तो दिमाग ही नहीं है, तो दिमाग का तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि मैथ एक स्किल, अगर किसी को नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि उसको स्किल में आगे जाने की ज़रूरत है, उसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या उसको और तरीकों से पढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन स्किल हर कोई सीख सकता है, असल पॉइंट ये है कि स्किल हर कोई सीख सकता है, इसलिए मैथमेटिक्स हर कोई सीख सकता है, हर बच्चा मैथमेटिक्स कर सकता है। ये चीज़ सबसे अहम है बच्चों के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है टीचर्स के लिए। अगर एक टीचर ही नहीं समझता कि मेरा बच्चा मैथमेटिक्स कर सकता है तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चा मैथमेटिक्स कर ले। अगर एक टीचर समझता है कि इसके वालदैन अनपढ़ है तो ये नहीं पढ़ सकता, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ लेगा। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स एक स्किल और हर कोई कर सकता है। मतलब मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड दिमाग की एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक स्टडी की गई जिसमें लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का दिमाग का मुआयना किया गया 2 साल, और देखा गया ये वो वक्त है जब गूगल मैप्स नहीं थे कि उनको 20,000 स्ट्रीट्स के पते और उनकी लोकेशंस याद रखनी पड़ती है गाड़ी चलाने के लिए, टैक्सी चलाने के लिए। तो 2 सालों के बाद उनका दिमाग जो है वो बड़ा हो जाता, क्योंकि वो अपने दिमाग से ज़्यादा काम कर लेते थे, उनको ज़ुबानी याद करनी होती थी 2,000 स्ट्रीट। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि अगर दिमाग पर आप ज़्यादा बोझ डालेंगे तो दिमाग ऐसा ऐसा और तेज़ी से ग्रो करेगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे मैथमेटिक्स कर लेंगे तो उनका दिमाग भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देगा। तो अगर आप बच्चे को कहेंगे बेटा आप तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अच्छा ना भी हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्रेन, आप उसको प्लेसिबो दे रहे हैं किस्म का, आपको उसको चीनी की गोली दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पेन किलर है। इसी तरीके से जब आप किसी बच्चे को कहते हैं बेटा आप मैथमेटिक्स में आप साइंस में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसके दिमाग को ट्रिक कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर उसका दिमाग ट्रिक हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैथमेटिक्स में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मैथमेटिक्स हमेशा विजुअल होता है, हम हमेशा मैथमेटिक्स की किताबों में ड्राइंग्स नहीं दिखाते, कहानियाँ नहीं सुनाते, बोरिंग, शदीद बोरिंग, ऐसे मैथमेटिक्स जैसे मुंशी कर रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों को मैथमेटिक्स कराता हूँ, दुख होता है उनकी किताबें देख के, हालांकि बहुत ही बड़े रिप्यूटेड इंटरनेशनल इदारे की किताबें। मैथमेटिक्स में कहानियाँ सुनाएं, मैथमेटिक्स में तस्वीरें दिखाएं। अब तस्वीरें बनाने के लिए साथ कराम को खुद भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तख्ती में हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ विजुअल चीज़ें बताएं, उनको कनेक्ट करें रियल टाइम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि दुनिया में अब मैथमेटिक्स को तस्वीरों के साथ कराया जाता है। अगर आपने एक इक्वेशन बतानी है तो उसकी तस्वीर बनाएं, लाइन की इक्वेशन लाइन की तस्वीर, पैराबोला की इक्वेशन उसकी तस्वीर, ट्रिग्नोमेट्री करनी है तस्वीर बताएं। और तस्वीर से बच्चों को चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, क्योंकि हमारी मेमोरी विजुअल मेमोरी है। अगर मैं आपको कहूँ मैकडोनल्ड तो आपके जहन में फ़ौरन मैकडोनल्ड का एम आएगा, मैकडोनल्ड पूरा लिखा नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ माँ तो आपके जहन में आपकी माँ की तस्वीर आएगी, मीम अलिफ नून गुन्ना नहीं आएगा। तो हमारी जो ब्रेन है वो तो क्या है जी, विजुअल मेमोरी, विजुअल प्रोसेसर है, हमारा जो कंप्यूटर है वो विजुअल प्रोसेसर है। तो आप जब तक बच्चों को चीज़ें दिखाएंगे नहीं, उनको समझ नहीं आएंगी। एरिया अगर आप दिखाना चाहते हैं, पैरामीटर दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी क्लास में करेंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ आएगी। किताबें उनकी रंग बिरंगी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की किताब बिल्कुल भी ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, और ये जो लेड पेंसिल्स हैं उनके वैसे मेरे खिलाफ हूँ।
इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये पाई की तस्वीर बनाई गई है, पाई की, जो एक कांस्टेंट है, जो एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसकी तस्वीर बनाई गई है और उसके मुख्तलिफ नंबर्स को, यानी एक को हमने ग्रीन कह दिया, जहां एक आएगा वहां ग्रीन डॉट लगा देंगे या लाइन लगा देंगे, दो को हमने रेड कह दिया, तीन को हमने ब्लू कह दिया। इस तरीके से आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज लेकर पाई की तस्वीरें बनाई हैं और आपको यहाँ पर पाई की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो अगर आप पाई पढ़ाते हुए आप ये चीज़ बता देंगे उनको, और मैं अपनी वीडियोज में ये चीजें बता चुका हूँ, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बच्चों को ट्रायंगल पढ़ाना था, लेकिन मैंने फिर शुरू किया उनको कि वीडियो गेम्स में ट्रायंगल्स या त्रिकोण कैसे इस्तेमाल होती हैं, और वीडियो गेम्स में त्रिकोण इसलिए इस्तेमाल होती है उसकी रेंडरिंग करने के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने 3D इफेक्ट देने होते हैं, हमने चीज़ों को खौफनाक बनाना होता है, हमने उसको 3D में लेके जाना होता है। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ को 3D में लेना चाहते तो पहले हमें उसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। मसलन आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, तो इसे टेसिलेशन कहते हैं, टेसिलेशन के बारे में बताया, लेकिन जब मैंने कहानी शुरू की वीडियो गेम से तो बच्चे ऐसे एंगेज हुए और उन्होंने फिर बाद में उनको त्रिकोण पढ़ाई गई, उसके सारे डिटेल्स बताई गई, राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दूसरे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनकी रेशियोज क्या होती हैं, लेकिन कहानी से शुरू किया और एक रियल टाइम चीज़ से कनेक्ट किया अपने मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में एक ये भी चीज़ ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में गलतियों की इजाज़त होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में जो बच्चा गलती करता है और उसके बाद वो उसको ठीक करता है तो उसके दो न्यूरो कनेक्शन बनते हैं, उसका दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है अगर वो उसको ठीक करें। बस अगर गलती पे गलती कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा, फिर कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर वो उसको गलत करे और उसके बाद उसको ठीक करे तो उसका दिमाग के कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं और उसे ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। इसलिए और ये भी ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में गलतियाँ की जाएँ, क्योंकि कई गलतियों की वजह से मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी थेरीज और बहुत बहुत बड़ी रिसर्चेज सामने आई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं। मैं आपको बड़ी ऐसी रिसर्चेज के बारे में बता सकता हूँ जो कि एक्चुअली एक गलती की वजह से सामने आ गई। तो इसलिए गलतियों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि गलतियों को ठीक करवाना चाहिए, और यही बात करती हैं एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर कैरल। इनकी एक किताब है माइंडसेट, बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है, बेस्ट सेलर है, और इसमें दो किस्म के माइंडसेट को बताया गया। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो है जो हम अमूमन इख्तियार करते हैं या हमारी बड़ी आदतों में होता है, और पाकिस्तान में तो फिक्स माइंडसेट बहुत ज़्यादा है कि मसलन हमने स्किल्स नहीं लेनी। स्किल्स हर किसी के पास होती हैं, इस बच्चे के पास ये पैदाइशी ज़हीन है, ये हम कह देते हैं साथ ही, और ये तो पैदाइशी निकम्मा, ये नहीं कर सकता। तो हम स्किल्स जो हैं वो समझते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स के साथ आया, बहुत कम स्किल्स के साथ आया, और उसका दिमाग फिक्स है, वो नई चीज़ें उस तरीके से नहीं सीख सकता, चैलेंजेस नहीं ले सकता फिक्स माइंडसेट का बंदा, उसकी एफर्ट भी बड़ी पूरी पूरी होती है, वो जब भी कोई नई चीज़ देखता है तो फौरन पीछे हो जाता है, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। फिक्स माइंडसेट का बंदा यू टर्न नहीं ले सकता। हम यू टर्न का लफ्ज़ बहुत मजाक में करते हैं, लेकिन इस बुक में लिखा गया है कि यू टर्न लेने के लिए बड़ी करेज की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से फिक्स माइंडसेट का बंदा फीडबैक पसंद नहीं करता, आप उसको कहें ये आप गलत कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, वो उस पर डिफेंसिव होगा, रिएक्ट करेगा, इनसिक्योर होगा, वो कहेगा आपने ये बात कैसे की मेरे साथ, पर वो अपनी गलतियों को अपने तक आने की इजाज़त नहीं देगा, और जब उसको सेटबैक होगा वो हमेशा दूसरों का नाम लगाएगा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, और उसके साथ वो बैठ जाएगा। लेकिन उसके साथ एक और माइंडसेट है जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो हमेशा नई स्किल सीखता है, चैलेंजेस लेता है, एफर्ट करता है, फेल होता है, पूरे तरीके से गिरता है, बार बार नीचे गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों की कदर करें, वो जब नीचे गिरा हो तो उसको आपने उठाना है। आपके बड़े स्टूडेंट्स हैं, नए नए क्वेश्चन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, नीचे गिरेंगे, कहेंगे सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आपने उन बच्चों को उठाना है, क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन रहा है, वो गलतियों से सीखते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपनी फीडबैक पर गौर करते हैं, अच्छा यार इस बंदे ने मुझे ये बात कही है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, और जब वो सेटबैक से निकलते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर हो चुके होते हैं। लेकिन आप कहेंगे ग्रोथ माइंडसेट का फ़ायदा क्या, उनके क्या नंबर ज़्यादा आते हैं? तो मैं आपको बहुत सी ऐसी रिसर्च दिखा सकता हूँ जिसमें बताया गया कि जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका ही फ्यूचर है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तेज़ होता है, और उसके नंबर्स मैथमेटिक्स में, साइंस में और लिटरेसी लिंग्विस्टिक में ज़्यादा आ जाते हैं। साइंस की रिसर्च कहती है, और ये रिसर्च इन मैडम ने की है और इन्होंने अपनी बुक में लिखा है,
और उसके साथ साथ ऐसी ही रिसर्च एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पिसा कहा जाता है, जो कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है, जो पूरे दुनिया के बेशतर मुल्कों के 15 साल के बच्चों के मैथमेटिक्स के, साइंस के और उसके साथ लिंग्विस्टिक के टेस्ट लेते हैं। और जब ये टेस्ट लेते हैं पूरी दुनिया के, तो उसके बाद डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स देते हैं। तो इन्होंने 1,30,00,000, मेरे ख्याल में 13 मिलियन इतना ही बनता है, 1,30,00,000 बच्चों पर रिसर्च की जो 15 साल के थे। और इन्होंने बताया कि जिन बच्चों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था, जो चैलेंजेस लेते थे, जो गलतियां करते थे, जो नीचे गिरते थे फिर उठते थे, फिर कहते थे हमने करना है, स्किल सीखते थे, जो चीज़ नहीं आती थी वो सीख लेते थे, और ये नहीं समझते थे कि हमारा दिमाग फिक्स्ड है, हम नई चीज़ों से परेशान नहीं होते थे, वो उन बच्चों से जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के थे 2 साल आगे थे, 15 साल की उम्र में 2 साल आगे, यानी उनका दिमाग 17 साल का था। ये इंटरनेशनल इदारा कह रहा है। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, उनकी मेंटोरिंग करनी है, उनको बढ़ावा देना है कि बेटा आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपने हार नहीं माननी। और आखिर में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आप मैथमेटिक्स को बेसबॉल से नहीं जोड़ेंगे, बास्केटबॉल से नहीं जोड़ेंगे, आप कुर्सी से नहीं जोड़ेंगे, टेबल से नहीं जोड़ेंगे, आप अपनी कार से नहीं जोड़ेंगे, साइंस को नहीं जोड़ेंगे, रियल वर्ल्ड से जब तक आप चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, फूल से नहीं जोड़ेंगे, आपके बच्चों को नहीं समझ आएगी। आइसोलेटेड मैथमेटिक्स ना पढ़ाएं, कहानियां, स्क्वेयर रूट की मशकें दे दी, 10-10 सवाल दे दिए और फिर आप समझ रहे कि आपके बच्चे को स्क्वेयर रूट आ जाएगा, जब तक आप उसको किसी कहानी से नहीं कनेक्ट करेंगे, जब तक आप उसको रियल वर्ल्ड की चीज़ों से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको वैसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे साइंसदान पढ़ते हैं, आपके बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आएगा। इसके लिए अब स्किल की ज़रूरत है। तो आपको अगर मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुश्किल लगता है, आप तख्ती ऑनलाइन को बताएं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। हम मैथमेटिक्स पर ऑलरेडी इस किस्म की वीडियोज़ बना रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में बताया भी जाता है, ये भी बताया जाता है कि उसको कैसे दरियाफ्त किया गया और ये भी बताया जाता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आप यूट्यूब पर तख्ती के चैनल को भी देख सकते हैं। बस मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं अपनी ही वीडियोस की, जिसमें मैंने लॉगरिथम पर वीडियो बनाई और मैंने बताया कि लॉगरिथम इसलिए भी किया गया था, बनाया गया था क्योंकि जहाज गुम हो जाते थे समंदरों में, तो हमने एक आला बनाया जो कि जहाज की सूरज के साथ लोकेशन लेता था और उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। अब वो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, क्योंकि उनमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था और ये जमाना है 15वीं 16वीं सदी, तो उस वक्त हमारे पास कैलकुलेटर तो होता नहीं था। तो एक बंदा जिसका नाम था जॉन नेपियर, उसने सोचा कि अगर किसी तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दूं तो फिर तो बहुत आसान है, ऐड करना चीज़ों को बहुत आसान है। और उसने एक टेबल बनाया और उस टेबल के जरिए वो मल्टीप्लाई होने वाले नंबरों को एडिशन में, यानी लॉग ऑफ ए बी इज गो टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या हुआ, आपने मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। उसके अलावा भी लॉग के बहुत फायदे हैं जो कि इस वीडियो को देखकर आपको पता लग सकता है। इस तरीके से लॉग बनाया गया था अपनी आसानी के लिए। न्यूटन ने कैलकुलस को इसलिए बनाया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हर चीज चेंज हो रही है और मोशन में, तो मेरे पास चेंज को, रेट ऑफ चेंज को मॉनिटर करने के लिए, मेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कोई टूल ही नहीं है, मैथमेटिक्स खामोश है। तो उन्होंने नया मैथमेटिक्स ईजाद किया। ये न्यूटन की जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे पसंद आती है कि न्यूटन ने नया मैथमेटिक्स ईजाद कर दिया उस वक्त के रियल टाइम फिनोमिना को देखने के लिए, जमीन के गिर्द चांद के चक्कर को देखने के लिए, सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर को देखने के लिए, इसी तरीके से जो हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जमीन पर जो चीजें गिनती हैं उनको देखने के लिए उन्होंने कैलकुलस का मैथमेटिक्स बना दिया। तो रियल टाइम चीज देखी और फिर एक मॉडल बना दिया। इसी तरीके से मुसलमान साइंसदान अल बेरूनी, उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जमीन का रेडियस निकालने के लिए। क्या किया, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया एक रियल टाइम, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर दुनिया से मैथमेटिक्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, जो टॉपिक पढ़ाना है उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे वो कैसे हुआ, तो हमारे बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस में ऐसे रहेंगे। और अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे, इवन तख्ती से आप कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपके लिए वीडियोज़ बना लेंगे, तो हमारे बच्चों को ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। और आखिरी स्लाइड में मैं आपको ये बता दूं कि आपके बच्चों को मेरिट पे नंबर और नंबरों पर नौकरियां नहीं मिलने जा रही आज से 5 साल के बाद। अभी तो ये बच्चे तो बहुत देर बाद बड़े होंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद भी ये नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि गूगल, एप्पल, IBM, इसके अलावा बेशुमार कंपनियां वो अब स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही है, कंपिटेंसी बेस्ड
हायरिंग कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि अगर आप समझते हैं आप प्रोग्रामर है तो अभी ये प्रोग्राम लिख के दिखाइए, हमें अपनी डिग्री मत दिखाइए, हमें अपने ग्रेड्स मत दिखाइए, हमें अपने नंबर्स नहीं दिखाइए, हमें आपकी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त 17% गूगल में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? महारत। तो इसलिए अगर आप नंबरों के पीछे जाएंगे, अभी हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें नंबर सबसे आगे हैं, अगर आप नंबरों के पीछे जाएंगे, अगर आप डिग्रियों के पीछे जाएंगे, अगर आप ग्रेड्स के पीछे जाएंगे और महारतें नहीं सीखेंगे, कनेक्टिविटी नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड से, तो फ्यूचर में आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा और तख्ती ऑनलाइन को ज़रूर लाइक कीजिए जाकर और इसको दूसरे स्कूलों तक पहुंचाइए। ये जो वीडियो बनाई है इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, एक महीने की अंतक मेहनत की गई है, इसलिए इसे तमाम स्कूलों तक पहुंचाएं, इसे तमाम टीचर्स तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, पेरेंट्स तक पहुंचाएं और उनको कहें कि कम अज़ कम ये एक वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका दिमाग अब वैसा नहीं है जैसा कि एक घंटे पहले था। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये इल्म ज़रूर पहुंचा दीजिए।